नमस्कार साथियों, जम्मू कश्मीर से गहरा नाता इसलिए भी है कि जब पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर दिया था तो पहला मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते हमने जम्मू कश्मीर में हो रहे पथराबाजी, अलगाववाद, सैनिकों पर हमले और आम जनमानस की हत्या, इसको उठाया था। और उस समय यूपीए की सरकार ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करती थी। हमने उस समय आंदोलन भी किया और 2011 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए भी आए थे। अपने देश के कई राज्यों से यात्रा गुजरी कलकत्ता से कश्मीर की, कहीं तिरंगा झंडा फहराने पे रोक नहीं लगी। लेकिन ये कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस उस समय भी थी, केंद्र में यूपीए और यहाँ एनसी की सरकार, इनका गठबंधन इस दिखाता है कि उन्होंने उस समय भी तिरंगा झंडा लहराने का विरोध किया, जेल में डाल दिया, यातनाएं हम सबको सहनी पड़ी। और आज ये लोग फिर धारा 370 को वापस लाने की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी धारा 370 के खिलाफ थे, वो धारा 370 नहीं चाहते थे। लेकिन ब्लंडर ऑफ नेहरू देखिए, एक के बाद दूसरी गलती जम्मू कश्मीर को लेके करते चले गए। उसका खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को 7 दशकों तक सहना पड़ा। 45,000 लोगों की हत्याएं यहां तक कर दी गई। देश के अन्य राज्य जहां आगे बढ़ रहे थे, यहां बॉम्ब शेलिंग से लेकर आतंकवाद, अलगाववाद, पथराववाद की घटनाओं से यहां के लोग जान गंवा रहे थे। कश्मीरी पंडितों पर यातनाएं करके उनको पलायन के लिए मजबूर किया गया। हमने तब भी कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय कि एक देश में दो संविधान, दो प्रधान, दो विधान नहीं हो सकते, दो निशान नहीं हो सकते। और जब हमारी सरकार बनी, हमने 5-6 अगस्त 2019 को धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लोगों से, पीडीपी से कह देना चाहता हूं, ये सदा सदा के लिए धारा 370 समाप्त हो गई है, अब कोई इसको वापस नहीं ला सकता है। क्यों वापस लाना चाहते हैं एनसी कांग्रेस और कौन, क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि वापस पथरावाद, अलगाववाद, आतंकवाद में जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। ये चाहते हैं पीएसए को हटाकर नशे बेचने वाले छूट जाएं, आतंकवाद उपद्रव फैलाने वाले छूट जाएं, पथराबाजी करने वाले छूट जाएं। अरे ये तो यहां तक पहुंच गए कि जिसने संसद पे हमला किया था अफजल गुरु, ये उसको छुड़वाने की उनकी बात करते हैं। इस देश में कोई उनके ऐसे गुनाह को माफ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी माफ नहीं किया था। वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर जाएंगे, राहुल गांधी जी विदेश में जाके भारत का अपमान करेंगे और अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर में बैठकर वापस आतंकवादी समर्थक वाले लोगों को दिशा में बात करेंगे। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि धारा 370 सदा के लिए चले गई। उसके जाने के बाद चहुमुखी विकास जम्मू कश्मीर ने देखा है। IIT, IIM, दो दो एम्स, मेडिकल कॉलेजेस 7-15, नर्सिंग कॉलेज से लेकर ना जाने हजारों किलोमीटर की सड़कें बना दी, खेल के स्टेडियम्स बना दिए, नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया। 25,000 करोड़ का निवेश तो केंद्र का, 78,000 करोड़ का और पाइपलाइन में है। यही नहीं, रिकॉर्ड पर्यटक आज तक के यहाँ पर पिछले वर्ष आए, आगे और बढ़ने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर साजिश का पुलाव पका रहे हैं, पर इस साजिश इनकी ऐसी है कि वापस इसको पथराबाद, अलगाववाद, आतंकवाद में झोंक दिया जाए। और राहुल गांधी जी, आपको तो राष्ट्र का स्वाभिमान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ये आपके शासनकाल में तो था ही नहीं, ना एनसी के ना कांग्रेस के समय।
हमने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से उबारा है और हम ही इसको अब संवारेंगे भी। डबल इंजन की सरकार जब बनेगी, केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, तो जम्मू कश्मीर का चहुंमुखी विकास होगा। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का अध्याय समाप्त करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं। 70% कमी आई है आतंकवादी हमलों में। और ये देखिए, केवल जम्मू कश्मीर नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी 75% के लगभग है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा 2026 तक तो हम देश भर में से नक्सलवाद को खत्म करेंगे, नक्सलवादी इलाकों से। ये है एक संकल्प लेके चलने वाली सरकार। दूसरी तरफ कौन है? वो राजनीतिक दल जो धर्म जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा का मतलब राहत, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मतलब आफत है। ये दोनों आफत वाली पार्टियां हैं। और मैं एक बात आपसे और कहूं, हम राहत कैसे देने वाले हैं, ये हमारा संकल्प पत्र बताता है, जो 25 हमने उसमें संकल्प लिए हैं। धारा 317 हमने हटा दिया, सदा के लिए हटा रहेगा। महिलाओं को 18,000 रुपये प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 3,000 रुपये हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। नौजवानों को हम कोचिंग के लिए छात्रों को 10,000 रुपया देंगे। छात्रों को फ्री लैपटॉप देंगे। छात्रों को 3,000 रुपया हम लोग यात्रा का खर्च देंगे। और 5,00,000 नौकरियां का प्रावधान सरकारी गैर सरकारी दोनों में हम लोग करके देंगे। आईटी हब हम जम्मू में खोलेंगे ताकि यहां पर भी रोजगार के अवसर उनके लिए हो सके। देखिए, धारा 370 तब हटी जब केंद्र में भाजपा आई। केंद्र में भाजपा आई तो आयुष्मान भारत भी आया, उसका लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला। 5,00,000 का इलाज मुफ्त में मिलता था, अब 7,00,000 का इलाज मुफ्त में देंगे। अब केंद्र की सरकार हमारी आई तो हमने पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया पीएम किसान में मिलता है, अब 10,000 रुपया पीएम किसान में जो मिलता है, 6,000 प्लस 4,000 हमारे राज्य में आके 10,000 रुपया हम किसानों को देंगे। ये हम लोग दे रहे हैं। जितने रिकॉर्ड घर प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 वर्षों में बने, कभी 10 वर्षों में नहीं बन पाए जी। कांग्रेस के 60 साल में मिला के नहीं उतने बने होंगे। ये है विकास जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। गरीबों के लिए हमने कहा 5 मरला फ्री, हम उनको प्लॉट भी देंगे, जमीन देंगे। और यही नहीं, अगर देखिए सफाई कर्मचारी के रूप में सफाई करने के लिए वाल्मीकि समुदाय को लेकर तो आए थे, उनको अधिकार नहीं दिए। उनके बच्चे पढ़ लिख जाते, डॉक्टर बनते, आईएएस बनते, सरकारी नौकरी में ऊंचे पदों पर आते, नहीं चाहती थी कांग्रेस। हम वो प्रावधान करके दे रहे हैं। गुज्जर बकरवाल को इन्होंने कुछ नहीं दिया, हमने 9 सीटें विधानसभा में, 9 ही है ना सीटें, 9 सीटें पहली बार हमने करके दी। जो आजादी के बाद यहां पर आए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, बाकी जगह से, उनके हक नहीं मिल पाए थे इतने वर्षों में, हमने दिए, हमारी सरकार ने दिए हैं। ये सब छीनना चाहते हैं धारा 370 हटाने के बाद। ये चाहते हैं कि उनका रिजर्वेशन भी छिन जाए, उनको जो मान्यता मिली वो भी छिन जाए, उनका वोटिंग का अधिकार भी छिन जाए, गुज्जर बकरवाल की जो 9 सीटें वो भी चली जाए। ये लोग सब जो अपने 75 साल में नहीं कर पाए, अब ये छीनने की मंशा के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। इनका एजेंडा केवल एक है, अफजल गुरु का गुणगान करो या फिर ऐसे काम करो जिससे बाकियों को पीड़ा हो। मुझे एक बात बताइए, क्या इनके पास जम्मू कश्मीर के विकास का कोई रोड मैप नहीं है? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इसीलिए तो शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम भी बदलकर तख्त सुलेमान करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है राहुल गांधी जी की और उमर अब्दुल्ला जी की कि शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम बदलना पड़ जाए? क्या पीड़ा होती है उनको उनसे? राम मंदिर का विरोध भी करेंगे तो शंकराचार्य जी के मंदिर का विरोध भी करेंगे, तख्त सुलेमान करने की बात करेंगे? यहां की जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। अरे और छोड़िए, हरि पर्वत का नाम भी बदलने की आप बात करते हैं, कोई मारन करने की बात करते हैं, क्या मजबूरी है चुनाव के समय इस तरह की बातें करने की? ये लोग बांटो और राज करो की राजनीति जो आज तक अंग्रेज करते आए थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर किया है।
उमर अब्दुल्ला जी चुनाव लड़ने से भयभीत थे, हार जाएंगे। फिर लगा कहीं एक सीट से लड़ूंगा तो भी हार जाऊंगा, अब दो दो पे लड़ रहे हैं भाई। अरे भाई हार में आओगे तो दोनों पे भी हार जाओगे। सवाल यह खड़ा होता है कि आज अफसर गुरु याद क्यों आता है? सवाल यह खड़ा होता है कि आज शंकराचार्य और हरिपर्वत का नाम बदलने का नाम क्यों किया जाता है? सवाल यह होता है कि आज हक वाल्मीकि के, गुजर बकरवाल के और हमारे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए शरणार्थी हैं उनके हक छीनने की बात क्यों होती है? बात यह है कि यहां के विकास पर अंकुश लगाने का और आफत खड़ी करने की बात ये लोग क्यों करते हैं? पीएस से हटाकर आफत खड़ी नहीं होगी क्या? मैं जम्मू के पत्रकारों से पूछता हूं कि आपके यहां पर नशे की समस्या, अगर कोई नशा बांटता है बेचता है तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? कोई उपद्रव मचाते तो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? अरे पीएस से बना ही इसलिए है। तो क्यों यह करना चाहती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दल? क्यों जम्मू कश्मीर को फिर आफत खड़ी करना चाहते हैं? ब्लंडर ऑफ नेहरू से भी मुक्ति बड़ी मुश्किल से पाई थी, ब्लंडर ऑफ अब्दुल्ला एंड गांधी और मंजूर करने के लिए हम तैयार नहीं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं और मैंने अभी भी कहा, पीएसए हटाना, अफजल गुरु का नाम वापस लेना, डराने की बात ये करते हैं कि जो भाजपा के साथ जाएगा उनकी क्या कहा गया, आपको तो बयान दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बोलबाणी मंजूर कैसे हो सकती है? कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी पार्टी के ऊपर तो उस इलेक्शन कमीशन को। हिंदुओं की हत्या करने की बात करते हो, डराने धमकाने की बात करते हो। अरे भूलिए मत, ये भारत वो नहीं जो कांग्रेस ने 60 साल तक करके रखा था। आज ये वो भारत है जिसके कदम पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी हम हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा उम्मीदें भी आज भारत से ही हैं। मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट करता हूं। आतंकवाद अलगाववाद के खिलाफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। 70% अगर इस पे कमी आई है तो मोदी सरकार के कारण आई है। हमने जो रुख अपनाया कि पाकिस्तान से तब बात करेंगे जब आतंकवाद बंद करेंगे, लेकिन यहां पर बैठे हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी लेते हैं, हिंदुस्तान के फायदे लेते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। कौन है ये लोग? वर्षों तक इन तीन परिवारों की कई पीढ़ियों ने फायदे उठाए, चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान के आगे कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, फरियाद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। अरे मैं आपको आंकड़े देके बताना चाहता हूं, टेरर रिलेटेड इंसिडेंट 2018 में 228 थे, 2023 में कम होके 46 रह गए और इस साल मात्र 11 है। अगर एनकाउंटर्स की बात करूं तो 2018 में 189 थे, 2023 में 48 और 2011 में कम होके 24। सिविलियंस, इनके समय आज तक फौज की और सिविलियंस की 45,000 लोगों की हत्याएं हुई, और अगर मैं केवल 2018 का आंकड़ा लूं तो उस समय 55 की सिविलियंस की हत्या हुई, 2023 में 14 की। तो कैसे ग्राफ कम आया है? ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, अनुराग ठाकुर के, ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स के आंकड़े हैं। और शहीद भी अगर 2018 में 91 हुए थे तो आज मात्र, मैं मात्र नहीं कह रहा क्योंकि एक शहीद भी अपनी जान पर खेलकर न जाने कितने लोगों की जान बचाता है। लेकिन जब आंकड़े कम हो रहे तो मेरा बताना इसलिए जरूरी बनता है कि 90 से कम होकर, 91 से कम होकर वो इस साल 14 है। हमारा प्रयास है कि वो बिल्कुल भी ना हो। आतंकवाद को भी जड़ से मिटाएंगे, हमारे किसी सिक्योरिटी पर्सनल की कोई जान ना जाए, शहादत ना हो, उस दिशा में भी हमारे प्रयास हैं। और जो स्टोन पेल्टिंग थी भाई साहब, कितनी थी? 1328 मामले, 1328 मामले 2018 के, आज शून्य है, जीरो। ऑर्गेनाइज हड़ताल कितनी थी 2018 में? 52,
आज शून्य है। कैसे बदलाव आया? धारा 370 हटने से बदलाव आया और लोगों का विश्वास जो अटल बिहारी वाजपेयी में था उससे ज्यादा आज नरेंद्र मोदी जी में है। कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की जब मैं बात करते हैं, ये लगातार इसको हमने बल दिया। डीडीसी के चुनाव हमने कराए, पंचायती राज के चुनाव हमने कराए, अब विधानसभा के चुनाव कराकर भी पूर्ण राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ही देगी। ये नेहरू गांधी परिवार की विशेषता रही है, कुछ कमियां भी हैं। कश्मीर की समस्या को लेकर यूएन में जाना, ये ब्लंडर ऑफ नेहरू था। आज तीन बार लगातार चुनाव हारकर राहुल गांधी जी ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हैं। वो विदेशी ताकतों से हाथ मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। काश इतना समय वो भारत की जनता के आगे कोई रोड मैप दिखाते कि कांग्रेस के पास क्या है। उनके पास कुछ नहीं है, खाली है, इसलिए केवल दुनिया में जाके भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन दुनिया समझ चुकी है कि जो बार बार यहां पिटते हैं, चुनाव हारते हैं, वो वहां जाकर केवल हाथ फैलाते हैं। चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, या यूएस में जाए, कहीं जाए, इनकी दाल कहीं कोई गलने वाली नहीं। देखिए, राज्यसभा लोकसभा सदन दोनों सदनों का एक रेजोल्यूशन है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था, है और रहेगा। केवल जरूरत इतनी है कि वहां के लोग भी अब देख रहे हैं कि धारा 370 हटने से कितना बड़ा बदलाव आया है। खुशहाली, अमन, चैन, लोगों के जीवन में जो पथराव फेंकते थे आज वो लैपटॉप पकड़ने का काम करते हैं, वो रोजगार स्वरोजगार के अवसर शॉल बुनने का काम करते हैं, वो टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आज उनको लगता है अगर सुख चैन शांति के साथ ये आगे बढ़ सकते हैं, धारा 370 विद एबोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 वी हैव सीन पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। शांति, खुशहाली और विकास हमने यहाँ देखा है, और इसको देखकर जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, वहां पर पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी खुश होकर वापस भारत का अभिन्न अंग बनना ही चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि उस क्षेत्र का भी भला हो, वहां के लोगों का भी भला हो। देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट नजर आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडी की राजनीति रही बैलेट की तरफ नहीं ले जाना, बुलेट की तरफ लेकर जाना है। लोकतंत्र को बल नहीं देना, अलगाववाद को बल देना। हम आतंकवाद मुक्त करना चाहते हैं, वो अलगाववाद और आतंकवाद को वापस लाकर आफत खड़ा करना चाहते हैं। अरे, इससे बड़ा पल क्या होगा कि लोग बंदूक छोड़कर, बुलेट छोड़कर बैलेट की ओर आ रहे हैं, लोकतंत्र को अपना रहे हैं। लेकिन डर यह है, अब एक के बाद दूसरी सीट आने पे भी हार का डर सता रहा है, और अभी से बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। कभी ईवीएम के बहाने खोजते थे, आज उम्मीदवारों के बहाने खोजने शुरू कर दिए। क्या किया है? हमारे लिए सभी भाषाएं, प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार कहा है, बंगाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, गुजराती हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, कश्मीरी हो, अरे भाई हमने तो जम्मू कश्मीर में दो ही लैंग्वेज थी, कौन सी थी भाई बताओ? उर्दू और अंग्रेजी। यहाँ अब हमने हिंदी हो, डोगरी हो, बाकी सब पार्लियामेंट से लेके यहाँ तक कर दिया। हम बांधते नहीं हैं, हम तो बड़े दिल के साथ राजनीति करने वाले। अटल जी ने कहा था
छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। थैंक यू, थैंक यू। चलिए धन्यवाद साहब सबका, बहुत बहुत सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद।